एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे इधर, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने की कोशिश किया करो, तो हो सकता है चीज़ें आसान हो जाए। फोर गर्ल्स ए वी सी एंड डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर का मीन्स है कि वो अंदर की तरफ देख रही हैं। कितनी गर्ल्स हैं बेटा? फोर गर्ल्स हैं। कितना है? फोर। वन टू थ्री फोर। अब राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट। ठीक है, वी एंड सी आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब वी और सी एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहां मान लो वी और यहां मान लो सी, आप यहां भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। आमने सामने। आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। जब बी और सी यहां होगा तो बचा कौन? ए और बी। तो ए और डी यहां रख दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बोला, अब उसने बोला इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ट्रू मतलब सत्य है। ए और डी एक दूसरे के सामने है, सही है। ए बी और ए बी और सी के बीच नहीं है, ए बी और सी के बीच नहीं है, है। डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर हो सकता है कोई, लेकिन 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि ऊपर उसने बोला है निश्चित रूप से सत्य। सत्य तो आपके चारों हो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से सत्य कौन सा है? ए, क्योंकि ए और डी एक दूसरे के सामने 100% होंगे, क्योंकि पहले बोल दिया गया है सी वी के सामने है, इसलिए ए को डी के सामने होना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस आपके चेंजेबल है। इसलिए उसने लिख दी एक लाइन डेफिनेटली ट्रू। क्या लिख दिया है? बाकी ट्रू है लेकिन वो डेफिनेटली ट्रू है। यही होता है रीजनिंग में, आपको जब 100% ट्रू नहीं मिलेगा तो फिर आप 90% के पास जाएंगे। समझ आया? पक्का करेंगे क्वेश्चन? Yes, चलिए।